Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. Welcome to the AutoCAD tutorial series. इस वीडियो में हम एक 3D drawing create करेंगे और हम line thickness का function उसको use करेंगे. इस वीडियो के एंड पे आपको दो मेन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. उसमें जो फर्स्ट है वो लाइन थिकनेस से आप 3D ड्राइंग को कैसे क्रिएट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है. और सेकंड, हम लेयर्स को यूज करेंगे 3D ड्राइंग के अंदर. लेयर्स का यूज हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी किया था और मेरी रिकमेंडेशन है और सजेशन है ये कि आप लेयर्स का यूज हर अपनी ड्राइंग में किया करें, सो दैट आपको कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स में लेयर्स की जो हेल्प है और लेयर्स का फीचर है इसको यूज करने में आसानी हो. लाइन थिकनेस जो होती है वो हमें बेसिकली हाइट या टॉलनेस जो होती है एक ऑब्जेक्ट की, 2D ऑब्जेक्ट की, उसको हम लाइन थिकनेस को हम टॉलनेस या हाइट के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं. और ये एक बड़ा क्विक और इजी और सिंपल वे है जिसमें आप 3D की फीलिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं. ये एक्चुअल 3D सॉलिड नहीं देती आपको, ये हम जब बना चुकेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं देगा, लेकिन स्टिल आप एक इजी वे में 3D की फीलिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं. और ये याद रखने की ज़रूरत है, आपने ज़रूर ये याद रखना है, भूलना नहीं है कि कहीं कहीं पे ये जो है थिकनेस, लाइन थिकनेस ये आपको हेल्पफुल होगी और हर जगह पे आपके काम नहीं आएगी. कुछ केसेस में आपके काम आएगी और कुछ केसेस में काम नहीं आएगी. और AutoCAD LT के जो यूजर्स हैं, जो कि AutoCAD Lite है जिसमें 3D की फंक्शनैलिटी नहीं होती, तो उसके अंदर भी ये टेक्निक यूज करके आप 3D की फील जो है वो हासिल कर सकते हैं. ये वो फिगर है या शेप है जिसको हम सोफा या इसको सीट कह लें आप, इसको हम ड्रॉ करेंगे AutoCAD के अंदर. तो इसको हम प्रीवियसली भी पिछली वीडियो में हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं. उसके अंदर हम वायर फ्रेम बेस्ड डिजाइन से हमने इसको ड्रॉ किया था. अब हम लाइन थिकनेस से इसको ड्रॉ करके इसको देखेंगे कि कैसा ड्रॉ होता है. AutoCAD 2020 वर्जन में यूज कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हम एक न्यू ड्राइंग क्रिएट करते हैं ACAD का सिंपल टेम्पलेट के थ्रू. ओके, ये मेरे पास XY प्लेन है. इस XY प्लेन पे मैं जो है वो अपनी फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ. तो सबसे पहले मैं इस पे 3 लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ. अगर आप लेयर्स क्रिएट नहीं करना चाहते और कोई ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप इस लेयर्स क्रिएट करने के स्टेप को स्किप कर सकते हैं. तो लेयर्स जो है होम में जाके मैं यहाँ से 3 लेयर्स क्रिएट करूँगा, 1, 2, 3. एक जो लेयर है वो मेरे पास बैक लेयर है, सेकेंड लेयर साइड्स की लेयर है, और थर्ड लेयर जो है वो सीट की लेयर है. इनके नेम कर दिए मैंने और यहाँ से मैं इनको कलर्स जो है वो असाइन कर देता हूँ. बैक को मैंने ग्रीन असाइन कर दिया, साइड्स को मैं रेड असाइन कर रहा हूँ, और जो सीट है उसको मैंने ब्लू कलर असाइन कर दिया. कलर असाइन हो चुके और लेयर्स भी हमारी बन चुकी हैं. अब हम यहाँ से करंट लेयर सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले मैं बैक सीट को, बैक को डिज़ाइन करूंगा, सीट का जो बैक पोर्शन है उसको डिज़ाइन करूंगा. तो बैक को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ये 2D का टॉप व्यू है, व्यू में जाके मैं व्यू को भी सेट कर सकता हूँ. मैं यहाँ से साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक में भी ड्राइंग कर सकता हूँ और टॉप व्यू से भी कर सकता हूँ फिलहाल. सबसे पहले मैं जो है ड्रॉ करूंगा एक रेक्टेंगल, REC 00 से वो स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो सेकंड जो डायमेंशन है Y पे वो जा रहा है 36 और X पे 4 पॉइंट्स आएगा. तो एट द रेट X पे 4 पॉइंट्स और Y पे 36 पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स मैंने एंटर कर दिए. ओके, ये रेक्टेंगल मेरे पास आ चुका है. ये बैक से बिलोंग करता है, बैक का हिस्सा है ये रेक्टेंगल. और अब हम इस रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं, लाइन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, इससे इसको थिकनेस जो है वो असाइन करेंगे. तो यहाँ से हम व्यू के टैब में ही आप रहेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे और यहाँ प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे व्यू के अंदर प्रॉपर्टीज का एक आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी.
तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे थिकनेस का ऑप्शन होगा, आपके जनरल की सेटिंग्स के अंदर थिकनेस का ऑप्शन होगा। तो थिकनेस मैं इतनी दूंगा जितनी इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट 34 है यहाँ पे जेड एक्सिस पे, तो मैं इसको 34 जो है वो असाइन कर दूंगा यहाँ पे इसकी थिकनेस 34, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि ये 3D में आपके जेड कॉम्पोनेंट में ये इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई है, पहले वो और तरह से थी। कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा शो कर रहा हूँ यही चीज, ये देखें पहले इस तरह से थी और अब मैंने इसके क्लिक किया और यहाँ से इसकी थिकनेस को 34 कर दिया, तो ये जेड एक्सिस में आपके पास ये कुछ कंपोनेंट बन गया और शेप इसकी चेंज हो गई। ये मेरे पास बैक साइड जो है वो डिजाइन हो गई है। अब मैं होम में जाके हाइट को डिजाइन करता हूँ, साइड को। साइड को डिजाइन करने के लिए करंट लेयर को मैंने साइड सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं डायमेंशन देखता हूँ, इसकी एक्स पे 24 है और वाई पे 4 है। तो एक और रेक्टेंगल पिक करूंगा मैं, रेक्टेंगल, और यहाँ से मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और जो एंडिंग पॉइंट है वो मैं इसको कोऑर्डिनेट सेंटर कहूंगा, एट द रेट एक्स पे 24 वाई पे 4, और एंटर। तो ये मेरे पास आ गई साइड का रेक्टेंगल आ गया। अब इसको मैं जिस तरह मैंने पहले बैक को जो है वो लाइन थिकनेस असाइन की थी, तो इसी तरह मैं इस साइड को भी जो है लाइन थिकनेस के थ्रू जेड एक्सिस में ले जाऊंगा। पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक बनी है, तो मैं टॉप व्यू में जाकर जरा इसको विजुलाइज करूंगा, देखूंगा कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं। तो इट लुक्स फाइन। तो हम वापस जाते हैं उसी व्यू में, वापस आइसोमेट्रिक व्यू में, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में, और इस व्यू में आके हम इसको सिलेक्ट करके व्यू में आके प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे लाइन थिकनेस, तो लाइन थिकनेस इसकी जो हाइट है वो क्या है, इसकी हाइट 24 है, तो मैं इसको 24 असाइन करूंगा लाइन थिकनेस। तो 24 असाइन कर दिया मैंने, ये आपके सामने है, ये बन चुकी है साइड भी, एक साइड मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा दूसरी साइड पे, सो दैट दूसरी साइड की साइड भी क्रिएट हो जाए। तो कॉपी के लिए मैं सीपी की कमांड यूज करूंगा और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया और ये वाला पॉइंट उठाया मैंने एज अ रेफरेंस पॉइंट और यहाँ पे जाके इसको ऑब्जेक्ट स्नैप की मदद से प्लेस कर दिया। अब मैं इसको जरा ऑर्बिट के थ्रू देखूंगा कि क्या ये सही बनी है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। इट लुक्स फाइन, फाइन ठीक लग रही है मुझे। टॉप व्यू से भी जाके हम एनालाइज कर लेंगे, इसको क्लोज करते हैं, टॉप व्यू से जाके देखते हैं, टॉप व्यू से भी सही नजर आ रही है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम सीट जो है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम लेयर, करंट लेयर जो है वो सीट सेलेक्ट कर लेंगे, इसका व्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं सो दैट हमें इजीली हम इसको ड्रॉ कर लें। व्यू में जाके हम टॉप व्यू पे जाते हैं, टॉप व्यू में जाके हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है। इसकी डायमेंशन एक्स पे 26 है और वाई पे ये 28 है, बिकॉज 28 ये इस तरह से है कि 36 की टोटल लेंथ है, उसमें से आप 4 ये वाला माइनस करें और 4 ये वाला माइनस करें, तो 36 माइनस 8 इट इज 28। तो वाई पे 28 है और एक्स पे 26 है। तो एक और रेक्टेंगल हम लेंगे, रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट पहले हम देखेंगे लेयर जो है वो शीट की सिलेक्टेड है। हाँ जी, शीट सेलेक्ट की हुई है मैंने, रेक्टेंगल की कमांड यूज की हमने, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये वाला असाइन कर दिया इसको और सेकंड पॉइंट जो है वो एट द रेट एक्स पे 26 और वाई, एक्स पे 26 और वाई पे 28, 26,28। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया जो कि शीट का है। व्यू चेंज किया मैंने, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में गया, रेक्टेंगल बन चुका है, बिल्कुल सही बना है और नीचे एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम ऐसे करते हैं कि बाकी लेयर्स को ऑफ करते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए इसमें काम करना। और मेरे ख्याल है साइड की लेयर को ऑफ कर दिया जाए, बाकी बैक लेयर ऑन ही रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको भी थिकनेस जो है वो असाइन करेंगे, तो इसकी जो थिकनेस है वो है 4 इंचेस इसकी थिकनेस है। तो क्लिक किया, व्यू में गए, प्रॉपर्टीज में आए और थिकनेस यहाँ पे 4 असाइन कर दी, एंटर कर दी।
अब ये मेरे पास सीट बन चुकी है और सीट को अब मूव करना है हमने कितना 12 पॉइंट्स मूव करना है जेड एक्सिस के ऊपर। तो मूव के लिए एम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने और ऑब्जेक्ट को कहीं से भी आप रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करें और उसको मूव कर दें। मूव करने के लिए मैं पॉइंट्स जो दे रहा हूँ उसे एट द रेट 0x पे 0y पे और 12z पे, क्योंकि मैं इसको हाइट देनी है हमने, तो हाइट जो है वो जेड एक्सिस होता है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्मेट में मैंने इसको पॉइंट्स दिए 0x एक्सिस पे 0y एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे मैंने इसको 12 पॉइंट्स दिए। एंटर प्रेस किया, ये मूव हो गई यहाँ पे और वापस हमने जो हमारी साइड लेयर ऑफ थी उसको मैंने ऑन कर दिया। ओके अब हम इसको ऑर्बिट के थ्रू जरा चेक करते हैं कि क्या ये सही है, कोई कॉर्नर या एज वगैरह इसमें मिसिंग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। बिल्कुल सही लग रही है, यहाँ से टॉप व्यू में जाके देखते हैं, टॉप व्यू से भी सही नजर आ रही है, नॉर्थ वेस्ट व्यू से देखते हैं यहाँ से भी सही नजर आ रही है, तो साउथ ईस्ट व्यू से हम इसे फिक्स कर लेते हैं। ये आपके पास एक बड़ा इजी वे है 3D लाइन थिकनेस के थ्रू 3D ड्राइंग की फीलिंग को हासिल करने का। इसमें हमने लेयर्स के कॉन्सेप्ट को भी देख लिया। इसके बाद हम इस पे विजुअल स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, तो पैलेट्स में जाके आप यहाँ पे व्यू में जाके पैलेट्स में आके विजुअल स्टाइल्स पे आएंगे और यहाँ से आप डिफरेंट इस पे कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह हाइड का विजुअल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और बाकी विजुअल स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल को विजुअल स्टाइल मैंने इस पे अप्लाई कर दिया और मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें और एक्सट्रूजन वाली जो ड्राइंग्स होंगी उनमें आपको देखने को नजर आएगी वो ये कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हॉलो है अंदर से, जो वायर फ्रेम बेस्ड डिजाइनिंग थी उसके अंदर वो टोटल ही एक वायर्स का फ्रेम था उसके अंदर, जिस तरह की यहाँ पे सॉलिड, इसको आपको साइड्स को अगर आप देखें यहाँ से तो ये आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट की फीलिंग दे रही है, लेकिन आप इसको अगर हाइट से ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह हॉलो फीलिंग नजर आएगी, तो साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्योर सॉलिड नजर आएगा। तो ये 3D जो लाइन थिकनेस बेस्ड ड्राइंग्स हैं उनके फंडामेंटल्स हैं। ये वायर फ्रेम्स से बेहतर आपको फीलिंग देगी, लेकिन अगर अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे कि जो एक्सट्रूड बेस्ड एक्सट्रूजन बेस्ड ड्राइंग्स होती हैं वो प्योर 3D सॉलिड जो है वो बना के देती हैं हमें। ये भी प्योर 3D सॉलिड नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये 3D की फीलिंग देगी आपको, प्योर 3D नहीं होगी। डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे और आप इसको कुछ एप्लीकेशन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू ऑल।